back. Title talks about elasticity में method of measuring elasticity. जल्दी से लिख लो. Method of measuring elasticity. What I'm taking today, method of measuring elasticity. चले बोर्ड 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 वी शुड बी लाइव. चल वन वॉचिंग मैक्सिमम पीपल. उधर से पेन लो ना यार. कितने लोग ने पेन लिया आज? चल ready all of you. So coming to the concepts, Yuvant, good evening. Good evening everyone. तुम क्या दिखाना चाहते चलेंगे Can we go ahead? Let's start. भाई कल का लेक्चर इलास्टिसिटी पे था. कल पढ़ाया हमने आपको इलास्टिसिटी का मतलब. इट्स अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर. उसके आगे पढ़ोगे तो पढ़ाया क्या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. वर्ड था पिक. पिक बड़ी अच्छी है. P stands for price, I stands for income, and C stands for cross. Moving step ahead, what are types of elasticity? And the answer was perfectly elastic, perfectly inelastic, unitary, relative elastic, and relative inelastic. ये concepts मैंने आपको कल के दिन पढ़ाया था. तो आज continue करते कल के lecture से आज के lectures को. और आज के lectures में मैं क्या cover up कर रहा हूँ? तो title बोला जा रहा है. मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी. टाइटल लिख लो. हर एक बच्चा 8 मार्क का क्वेश्चन में आने के चांसेस लग रहे हैं. मेथड एंड सिग्निफिकेंस. एक्चुअली पसंद नहीं है ना है तो अच्छा बट दे विल आस्क यू. मेथड ऑफ इलास्टिसिटी. यस एवरीवन ऑनलाइन. साक्षी भोसले गुड इवनिंग. अंजलि गुजराती गुड इवनिंग. निवान गुड इवनिंग. एवरीवन गुड इवनिंग गाइस. चल रेडी तैयार हो. आर यू ओके? Let's start. ये पेज खुल रहा है. क्या हुआ? धंधा नहीं हुआ दुकान में क्या? तुम इतना बोले जा रहे हो. थोड़े शांत रखो ना. He's like today I'm in a mood. ये तो आप आते हो इतना अच्छे टाइम पे. ऑनलाइन कैन वी गो? श्रवण भाई आराम से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. नाउ दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे. आज का टाइटल है मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी. सब लोग मेरे साथ टाइटल का नाम दे दो. सबसे पहला मेथड आता है रेशियो मेथड. सो वी गॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट. ये दो कॉन्सेप्ट में से एक शायद मेरा सिक्स सेंस कह रहा है आठ मार्क में पहुंच जाएगा. ये शायद मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी. प्लीज भाई आपने पढ़ा नहीं लर्न नहीं किया प्लीज ध्यान देना. मेथड क्या होता है इलास्टिसिटी का? तो सबसे पहला मेथड आता है रेशियो मेथड
और परसेंटेज मेथड. रेशियो इज सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको हम क्या कहेंगे? रेशियो मेथड. तो हमारे साथ हर एक बच्चा मेथड लिखेगा, रेशियो मेथड. व्हाट इज द मेथड? रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड. ये मेथड किसने डेवलप किया? अल्फ्रेड मार्शल ने. सो दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. आर यू गेटिंग दिस? ये किसने मेथड डेवलप किया बच्चों? अल्फ्रेड मार्शल. दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. मूविंग स्टेप है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बड़ा सिंपल है, रेशियो मेथड बोला जाता है एंड इट इज वेरी इजी. इट इज गिवन बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. एंड फर्दर देखो, परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन मेथड एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. तो मैं आपके सामने एक आंसर लिखवा देता हूं, चलो मेरे साथ लिख दो. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? रेशियो मेथड. रैप, रैप रेशियो और पी स्टैंड फॉर परसेंटेज. सो रेशियो और परसेंटेज मेथड. अब इसके अंदर पॉइंट क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट लिखना है दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. तो दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. लिख लो बच्चों, दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय होम? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. दिस इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू जो आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है दिस. सो इलास्टिसिटी इज रेशियो मेथड. इलास्टिसिटी इज गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला अंडर रेशियो मेथड. और फॉर्मूला क्या है बच्चों? ध्यान से देख लो, अच्छी तरह से लिख लो. फॉर्मूला इज रेशियो, मतलब क्या बच्चों? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर. तो रेशियो मेथड आराम से समझो दिया जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, अगर फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइड बाय पी. ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड. बच्चों 8 मार्क के क्वेश्चन में 3 मेथड आपको समझने हैं. एक है रेशियो मेथड, दूसरा है आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3 ऑफ देम. पहले ये यहां तक टोटल आउटले मेथड आता है, इसके बाद हैव यू अंडरस्टूड. तो बेसिकली रेशियो मेथड क्या बोलता है? ये मेथड अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया. ये मेथड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. राइट पायल जी? नेक्स्ट, मूविंग फर्दर. अब यहां डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू डेल्टा पी डिवाइड बाय पी, ये कल मैंने आपको पहले भी बताया था. वेयर डेल्टा क्यू मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. कितना क्वांटिटी डिमांड बदल गया बच्चों? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्यू का मतलब क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस. व्हाट यू कॉल इट? ओरिजिनल, सॉरी, यहां क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी आएगा. नेक्स्ट, मूविंग अहेड. वैसे डेल्टा पी का क्या होगा? डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस बदला. ओके, एंड पी का क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस. तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस. ये इतना कॉन्सेप्ट याद रखो बच्चों, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. रेशियो मेथड किसने बनाया? रेशियो मेथड का फॉर्मूला क्या है और उसका डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. यहां तक कोई कटकट है? दिस इज फर्स्ट मेथड टू स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड, यस अमृता, साक्षी, धीरज, अंजलि, निवांत, ऑल ओके विद दिस कॉन्सेप्ट, कैन वी मूव फर्दर? भाई आपके पास लिमिटेड टाइम है, और दूसरी बात है प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, शायद और एक दो दिन उसके बाद मैं डायरेक्टली पूरा लेक्चर ऑनलाइन आ जाऊंगा, सो ना, बिकॉज मोस्टली आफ्टर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आई वुड नॉट बी कॉलिंग यू फिजिकली, वी विल बी टेकिंग व्हाट ऑनलाइन लेक्चर, कैन वी गो अहेड? आगे चले हम लोग, नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर दिस सेकेंड, चेक दिस आउट, व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. After this, you have the method number 2. Everybody with me, write down the method number 2 is called total expenditure method. बच्चों ये please ये सब कुछ छोड़ना मत, ये बहुत काम की चीज है. Total expenditure method मतलब ये elasticity, हम क्या ढूंढ रहे हैं साहब, हम ढूंढ रहे हैं elasticity. Elasticity ढूंढने के कितने तरीके हैं? तीन तरीका है. पहला तरीका जो था वो क्या था? Ratio method था, और बड़ा सिंपल सा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब आगे चलो और मेथड नंबर 2 लिख दो बच्चों. मेथड नंबर 2 इज कॉल्ड एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ये भी मेथड किसने डेवलप किया? तो जवाब आता है अल्फ्रेड मार्शल. दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. तो ये फर्स्ट पॉइंट, आप लोग वही सेम पॉइंट रिपीट किया तो उस पर कोई खटखट नहीं है. ये मेथड डेवलप बाय अल्फ्रेड मार्शल. इसके अंदर होता क्या, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंजेस कंपेयर्ड, एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिफर टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. बड़ा सिंपल है बच्चों, एक्सपेंडिचर कैसे आता है? तो जवाब मिलता है प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो प्राइस बदलने से पहले, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल प्राइस जब नहीं बदला, तो भाई लेट्स से मैं 10 केजी मैंगो एट 100 रुपीज पर केजी आई टू बाय, ठीक है. सो 10 केजी मैंगो इनटू 100, तो बच्चों कितना होगा? 1000 रुपीज हो गया बिफोर चेंज इन प्राइस. अब आगे यार 100 का प्राइस अगर 150 हो गया, तो फिर व्हाट आई विल डू, आई विल बाय लेस ऑफ मैंगो. तो आई स्टार्टेड बाइंग, व्हेन द प्राइस राइजेस आई बॉट 8 केजी मैंगो. सो व्हाट हैपेंड, ड्यू टू राइज इन प्राइस माई एक्सपेंडिचर में अंडर गो चेंज. सिंपल या एग्जाम्पल ले लो वड़ा पाव का यार, कि पहले वड़ा पाव 10 रुपए पे आता था, मैं 10 वड़ा पाव खाता था, 100 रुपए खर्च होते थे. अब वही वड़ा पाव 15 रुपए में आने लगा, तो मैं 5 ही वड़ा पाव खाता हूँ या 8 वड़ा पाव खाता हूँ, तो 15 × 8 120 हो गए. तो प्राइस वड़ा पाव की बढ़ने के कारण मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया. तो ये एक्सपेंडिचर से मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? इलास्टिसिटी. तो ये मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल आउटले मेथड. आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर गाइस. ओके, सो कमिंग बैक, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. यू आर सपोज टू फाइंड द एक्सपेंडिचर. अब यार इन दिस ही हैज गिवन फॉलोइंग प्रोपोजिशन. तीन मेथड है बच्चों. इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इक्वल इलास्टिसिटी मतलब इट इज 1, एंड रिलेटिव इलास्टिसिटी. तो आपको इसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी मिलेगी बच्चों? 3 इलास्टिसिटी मिलेगी. अब यहां आप समझ लो, ये टेबल से आप बेटर समझ पाओगे. जैसे बच्चों वड़ा पाव है, ठीक है, 10 रुपए का वड़ा पाव था और हम लोग 6 वड़ा पाव खाते, तो 10 × 6 वड़ा पाव कितना पैसा खर्च होता था? 60 रुपीज होता था. एंड द प्राइस वॉज 10, आई यूज टू बाय 6 वड़ा पाव. सो 10 × 6 हाउ मच इज द एक्सपेंडिचर? 60 रुपीज. अब एक्चुअली हुआ क्या, 10 रुपए का वड़ा पाव सडनली 20 रुपए में हो गया. अब बच्चों प्राइस बढ़ गया वड़ा पाव का, 10 से 20 हो गया. जब 20 रुपए वड़ा पाव हो गया बच्चों, तो आप बताओ मुझे, अंडरस्टैंड, चेक दिस आउट, जब 20 रुपए का वड़ा पाव हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूं? 5 ही वड़ा पाव कर खा रहा हूं. तो 20 × 5 वड़ा पाव, बट फिर भी देख रहे हो एक्सपेंडिचर बढ़ गया. तो जब प्राइस बदले और उसके कारण आपका टोटल खर्च बढ़ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में आप देखोगे बच्चों, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 ही आएगी, क्योंकि प्राइस बदलने के कारण एक्सपेंडिचर बदलते जा रहा है. तो पहले 10 रुपए का वड़ा पाव 5 वड़ा पाव खाते थे, प्राइस यार 10 का सडनली 20 रुपए हो गया, तो मैं सॉरी 6 वड़ा पाव खाते थे, अब 5 खाने लगे. तो 10 × 6 60 रुपीज एक्सपेंडिचर होता था, आज प्राइस बदलने के कारण एक्सपेंडिचर 100 रुपए हो गया. सिंस
एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। ये पहला डेफिनेशन। अब दूसरी इलास्टिसिटी देखो साहब, बस कॉन्सेप्ट समझो, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। सो पहला डेफिनेशन अगर मैं हिंदी में बोलूं, प्राइस बदलने के कारण मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो मैं उसे कहता हूं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, ठीक है, या रिलेटिव इलास्टिक। अब दूसरा डेफिनेशन देखिए साहब, ध्यान से सुनिए। 30 रुपए का एक डजन बनाना था और हम 4 डजन बनाना था, 30 × 4 कितना खर्च होता था, 120 रुपीज। अब सडनली डजन बनाना 30 का 40 हो गया, तो मैंने 3 डजन खरीदना, फिर भी पैसा तो उतना ही खर्च कर रहा हूं, कितना, 120 रुपए। तो यार ड्यू टू चेंज इन प्राइस माई एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, वी कॉल इट वॉट, यूनिटरी इलास्टिक। तो हिंदी में अगर हम इसका डेफिनेशन बताएं तो कैसे बताएंगे कि अगर प्राइस बदल गया बट मेरा टोटल खर्च वैसे का वैसा रहा, मतलब इट रिमेन सेम, तो आप इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहोगे। हैव यू गॉट दिस राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द थर्ड? थर्ड की इसमें देख रहे हो, पहले 50 रुपए और 2 kg मैंगो, अब सडनली 50 का 60 रुपए हो गया, तो यार मेरे पास 100 रुपए तो है नहीं, तो मैंने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, इसलिए इलास्टिसिटी लेस देन 1। सो हाउ वुड आई डिफाइन इलास्टिसिटी कमलेश बाबू? सिंपल, ड्यू टू चेंज इन प्राइस माई एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस, देन वी कॉल इट इलास्टिसिटी लेस देन 1, या रिलेटिव इन इलास्टिक। सो कमिंग टू द कॉन्सेप्ट एंड लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस, दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने यहाँ एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, अब ये सिर्फ देख लो बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, पहली इलास्टिसिटी, दूसरी इलास्टिसिटी, तीसरी इलास्टिसिटी। सो ये तीनों डेफिनेशन मैं आपको एक बार बताता हूँ। रेडी एवरीवन? ओके, रेडी ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट विथ इट, लेट्स स्टार्ट गाइस। यूनिटरी, नो द फर्स्ट वन इज नॉट यूनिटरी, यू आर रीडिंग रॉन्ग। ओके, यू कॉल दिस, व्हाट डू यू कॉल गाइस? रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, और यू से इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। साहब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब आएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। व्हेन व्हेन गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस, मतलब यार अगर प्राइस बदल गया तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। 10 रुपए का वड़ा पाव, 6 वड़ा पाव, 120 रुपए। 20 रुपए का वड़ा पाव, 5 वड़ा पाव, फिर भी सॉरी 10 का वड़ा पाव, 6 वड़ा पाव, 60 रुपए। अब 10 की जगह 20 हो गया तो क्या हुआ, 5 वड़ा पाव, बट फिर भी एक्सपेंडिचर तो बढ़ा ही ना यार, पैसा तो ज्यादा ही देना पड़ रहा है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को आप क्या बोलोगे, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। सो रिलेटिव इलास्टिक कब कहोगे, हाउ डू वी डिफाइन? सिंपल, व्हेन अ गिवन चेंज इन प्राइस टू, व्हेन अ गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। बच्चों बड़ा सिंपल सी बात है, अगर प्राइस बदल गया और मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो हम इसको क्या कहेंगे, टोटल रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। यू गॉट दिस राइट? अच्छा, ये हो जाने के बाद बच्चों सेकेंड आ रहा है, सेकेंड वाला देखो, यहां क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना। यहां एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, टोटल आउटले, आउटले मतलब क्या, एक्सपेंडिचर। यार तो लाइट कम दिख रही है, अब तुम लोग बैकअप जस्ट बी एक्टिव, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, कैन वी गो नेक्स्ट, आगे चलते हैं, यू लुक गुड। सेकेंड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नो, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अंडरस्टैंड, व्हेन अ प्राइस फॉल और राइज बट टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट सेम और रिमेन कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज और रिमेन कॉन्स्टेंट, वी कॉल इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल सी बात कहते हैं, ध्यान से समझो, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो जाए बट मेरा जो खर्च पहले था आज भी उतना ही है, मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं, मैं इतना ही खर्च करूंगा, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तो देन इट इज कॉल्ड एज वॉट, यूनिटरी इलास्टिक
demand. So how do I define this? With a change in price, either fall or rise, my total outlay, manje expenditure, remains same or constant. We call it what? Unitary elastic demand. A third wala acha. What is third? Relative inelastic demand. Idhar kya ho raha? Price badal raha aur aapka expenditure kam ho ja raha. Theek hai? प्राइस बदल रहा है बट आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है. सो विद द चेंज इन प्राइस टोटल आउटले डिक्रीजेस. आउटले मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. देन यू कॉल इट व्हाट, रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी यू हैव, थ्री. सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस मेथड नंबर टू. विथ मी यू कैन राइट डाउन मेथड नंबर टू इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटल outlay oblique expenditure, total expenditure method. And it is basically, iske introduction mein aap kya likhoge sahab, this method is introduced by Professor Alfred Marshall. Basically it is given by comparing the expenditure, that is price into quantity. It has following three types of elasticity: relative elastic, relative inelastic, and the third that you have is unitary elastic. Now in relative elastic, what happened, due to change in the price, your total outlay increases, we call it what, relative elastic. Second, due to change in price but my total outlay or expenditure remains same or constant, we call it what, unitary elastic, that is elasticity is equal to 1. And the last that you have guys, due to change in the price, my total outlay, that is expenditure, decreases. We call it what? Relative inelastic demand. Have you understood this? Lock kiya jaye, pura fit ho gaya. Ab teesra method, so main iske andar kuch likh nahi raha, bachcho samjho yaar. We have exams and we don't have much of time. Ab iske baad aage aa jate hain, ye teesra method aa ja raha. The third method is this. So you got a method number 3 guys. Method number 3 is point method or a geometric method. Can you check this out? Okay. Ready everyone? What this method is all about? चलेंगे. कैन वी गो नेक्स्ट, यू कॉल इट पॉइंट मेथड और यू कॉल इट ज्योमेट्रिक मेथड. व्हाट इज द मेथड यू कॉल इट, पॉइंट और geometry. Now what is this method all about, understand? This method is also developed by Alfred Marshall. So basically ye method ko kisne banaya tha bhai, economics mein har ek concepts mostly Alfred Marshall ne hi banaya, mostly jo humko 12th mein. So this method was also developed by who? Professor Alfred Marshall. So this method was developed, it is also called point method और इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मेथड. यू कैन राइट डाउन, ये जो मेथड है बच्चों, इसको हम लोग पॉइंट मेथड बोलते हैं या इसी को हम ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट मेथड, और दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, ज्योमेट्रिक मेथड. मूविंग स्टेप है, अंडर दिस मेथड दे आर अनेबल, वी आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी एट अ गिवन पॉइंट. सो द रेशियो मेथड एंड आउटले मेथड में तो हम लोग पॉइंट वाइज नहीं मेजर करते, यहाँ एक सेगमेंट में पॉइंट वाइज मेजर किया जाएगा. आपको नेक्स्ट चैट पे देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे इन लोगों ने एक्सप्लेन किया. सो वी हैव द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. बच्चों ये ध्यान से देख लो, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट. जो भी गिवन पॉइंट है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड बिलो गिवन पॉइंट डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल देख लो बच्चों, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या आएगा, ये आएगा, और इसका अपर सेगमेंट क्या आएगा, ये आएगा.
सो लोअर सेगमेंट फॉर्मूला लिख लो, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर दिस, लेट्स से ये आपका प्राइस है। अब यहां से ये इतना ऊपर चेन राइज इन प्राइस है, ये नीचे। अब यार यहां तक ये डिमांड, ये अपर सेगमेंट का है, ये लोअर सेगमेंट का है, तो फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। सो फॉर्मूला लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा उसका लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट डिमांड कर्व अबाव गिवन पॉइंट। सो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। भाई जो डिमांड कर्व है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, इफ यू चेक दिस आउट गाइस, इफ ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से, this is your y axis, if you check this out, this is your y axis, this is your x axis, this is the demand curve and let's say this is a point। ab yaar yahan se ye point ke lower segment ye aaya aur ye point ke upper segment ye aaya, to lower segment divide by upper segment, lower segment divide by lower segment divide by upper segment, to lower segment of demand curve बिलो द पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट डिमांड कर्व अबव द पॉइंट विल गिव यू व्हाट, पॉइंट इलास्टिसिटी विल गिव यू व्हाट, पॉइंट। सो पॉइंट इलास्टिसिटी बेसिकली गिवन बाय फॉर्मूला लोअर सेगमेंट डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट अपॉन अपर सेगमेंट डिमांड कर्व अबव द पॉइंट। नेक्स्ट यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ कर्व, वन इज अ लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। अब लीनियर के अंदर बच्चे इलास्टिसिटी है, कैन आई गॉट, यू हैव अ टू मेथड अंडर दिस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस इन डिटेल बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स इतना आसान नहीं पढ़ना, समझ आ रहा। अब यार ध्यान से देखो, कैन वी गो अहेड, मूविंग स्टेप अहेड, लीनियर डिमांड कर्व, what is linear demand curve, so this is your y axis and this is your x axis, and in case you check this out, ye aapka demand curve ka segment hai। ab yaar ye point le lo, ye point le lo, ye alag alag point hai। so yahan dekho, when demand curve is linear, linear means a straight line, we extend the demand curve to meet at x axis and then price elasticity is a zero, at what price elasticity demand at x axis is zero and y axis is infinite, matlab yahan agar le loge to yahan elasticity when linear curve touches x axis bhai wo zero rahega, kyunki yaar iski value to zero hai, divide by any number, ab ye kuch bhi number divide do answer to zero hi aayega, so when it touches x axis elasticity of demand is what, zero, and when it touches y axis then the elasticity is what, infinite। और फिर बाकी याद रखना है अलग अलग वैल्यू है, जैसे यहाँ वन है, यहाँ लेस देन वन है, यहाँ मोर देन, बिकॉज मोर देन वन क्यों है, क्योंकि ये सेगमेंट बड़ा है लोअर सेगमेंट और ये छोटा है, सो 10 डिवाइड बाई 2 3 तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 ही आएगा। Have you understood this? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया, लीनियर कर्व इज यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टचेस एक्स एक्सिस, व्हेन इट टचेस एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी इज जीरो, एंड टचेस वाई एक्सिस इलास्टिसिटी 1, एंड डिपेंडिंग ऑन इट, सी हियर इट्स इनफाइनाइट, हियर इट्स जीरो, हियर इट इज 1, बिकॉज यहां से ये इक्वल चेंजेस आ रहा है, यहां लेस देन 1 और यहां ग्रेटर देन 1। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब नेक्स्ट आगे ये वाला एक्सप्लेन कर देते बच्चों, सो वो पॉइंट आने के बाद, नॉन लीनियर डिमांड कर्व, नॉन लीनियर इज लाइक दिस, can we go ahead? So non linear demand curve is a non, yaar apno, when demand curve is non linear, that is it convex to origin, so straight line na hoke dikh raha bachcha, convex to the origin hai, so to measure elasticity of demand we have to draw tangent AB touching the given, matlab yaar ye aapka y axis hai, ye aapka x axis hai, ye aise demand curve, ab yaar ye kya elasticity hai, so you draw this tangent to this line, you draw the tangent straight line to it, so yahan unne bola we, in order to measure the elasticity we are tangent to the point curve and extend to y and x, matlab ye actually yahan x axis aur hai, aur us basis pe aap kya kar rahe, but actually non linear line is a line which is not a straight line, so in that case what you do is you just draw the straight line touching that non linear curve and extend it to x and y
एंड देन यू यूज द सेम फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट इलास्टिसिटी, मतलब नॉन लीनियर लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाली, अब उसको इलास्टिसिटी ढूंढने के लिए उसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो उसको टच करके स्ट्रेट लाइन वाई और एक्स एक्सिस पे, तो ये आपकी नॉन लीनियर लाइन थी ऐसे, और फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी ताकि इलास्टिसिटी टेंजेंट मतलब जो टच एट वन पॉइंट है और उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे हो इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हो। सो द फॉर्मूला रिमेन सेम, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, वही कॉन्सेप्ट फिर सब कुछ सेम है, सेम यू गेट द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट लास्ट टाइटल ऑफ दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लीज छोड़ना मत ये क्वेश्चन, ये सब टेक्स्ट बुक के पीछे आठवां के क्वेश्चन में आंसर इन ब्रीफ में लिखा गया, मैं जानबूझ के क्वेश्चंस में डायरेक्टली सप्लाई पे जा सकता था, मैं ये क्वेश्चन क्यों कवर अप कर रहा हूँ और इको ही क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के टाइम मैं इको नहीं रिवाइज कर पाऊंगा, लिटरली आपको एक ही दिन छुट्टी है, तो आई एम ट्राइंग टू पुट मोर एफर्ट राइट नाउ सो दैट एग्जाम के टाइम मुझे इको ज्यादा ना रिवाइज करना पड़े। चले हम लोग, और एक एक चीज और करना है बच्चों, मे बी आप अभी कुछ दिन आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्स टाइम टेबल दूंगा वहां ऑल हैज टू अटेंड ऑनलाइन, बस कुछ नहीं करना है, आपका नोटबुक आपका पेन, और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ा के नेक्स्ट डे का पूरा टाइम टेबल दूंगा कि आपको एग्जाम को अप्रोच करना है, जितना ब्लाइंडली फॉलो करो, देखो अगर यूट्यूब खोलो तो आपको 1000 लोग अपना तरीका बताने की कोशिश करेंगे, इसके साथ क्या काम करता है आई डोंट नो, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, आई हैव बीन डूइंग दिस एंड नॉट वन ईयर टू ईयर्स ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, सो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। बाकी क्या है, सबका दिमाग भाई तो जैसे चाहे वो वैसा करे, कैन यू गो, पीपल आर फ्री टू, हाँ देर आर लॉट ऑफ पीपल, पूरा साल लेक्चर किया सब कुछ अटेंड किया, अभी 15 दिन बचा है, सबसे ज्यादा आई एक्सपेक्ट पीपल टू कनेक्ट इट द लास्ट मोमेंट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज पेपर में क्या फोकस करें, चैप्टर में क्या फोकस करें, माइंड सेट कैसे रखे, एंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, मैं बोला भाई मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं सबको नहीं, समझ आ रहे, कैन यू गॉट इट, यहाँ था। अब यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, चलो लर्न करते हैं, लास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी, क्या क्या चीजें इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट करती है, राइट, रेडी ऑल ऑफ यू, व्हाट आर द फैक्टर दैट इम्पैक्ट। सो पहले यार कोई वर्ड हमने बनाया था, किसी को याद रहेगा अगर लिखा रहेगा तो, हाँ मैंने बुक में बनाया रहेगा उस समय लर्न करते समय, एनीबॉडी हैज रिटन इट फॉर, क्या वर्ड था क्या किसी के पास, हाँ क्या वर्ड था लिखा, हाँ कुछ वर्ड लिखा रहेगा बच्चों, टाइप से कर लेगा, अभी क्या होता है मुझे रैंडम क्या वर्ड आया था, बच्चों मेरे को वर्ड बच्चा नहीं, एन ए एच आई वर्ड है क्या, नहीं नॉट डन, तो यार एन ए एच आई नहीं, उसके बाद नॉट डन में क्या है, एन और डी नहीं नॉट डन, उसके बाद क्या है, नहीं नॉट डन, हाँ सिटी नहीं नॉट डन सिटी, नहीं नॉट डन क्यूटी, अच्छा मजा आ गया ना, बराबर मुझे भी तुम्हारे बड़े सस्ते, चल कम बैक, नहीं नॉट डन CUT, okay? So, let's try understanding. नहीं नॉट डन क्यूटी, क्यूटी मीन्स CUT, okay? Don't get. So, नहीं में पहला क्या आ रहा है, नेचर ऑफ कमोडिटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, भाई ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में क्या वर्ड आपको याद रखना, सबसे पहले नहीं में एन स्टैंड फॉर व्हाट,
नेचर ऑफ कमोडिटी. ई स्टैंड फॉर व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. एच स्टैंड फॉर व्हाट? हैबिट्स. हैबिट्स. आई स्टैंड फॉर व्हाट? इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो भाई नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, हैबिट्स एंड आई स्टैंड फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो बच्चों ये वर्ड याद रखो, नहीं नहीं नेचर ए अवेलेबिलिटी, एच हैबिट और आई स्टैंड फॉर व्हाट? इनकम. उसके बाद नॉट डन. नॉट डन का फुल फॉर्म में क्या आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ यूज एंड डी इज ड्यूरेबिलिटी. नहीं नॉट डन. और क्यूटी वर्ड आ रहा. अब ये सी यू टी में सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यू स्टैंड फॉर अर्जेंसी ऑफ नीड्स और टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड. तो ये वर्ड आपको याद रखना, नहीं नॉट डन क्यूटी, सी यू टी, सी यू क्यू और टी इज टी, सो यू कॉल इट क्यूटी, राइट. So the point is this. अच्छा काय झालं? कल का कुछ याद आ रहा है? आगे चले. ओल्ड मेमोरी लॉस. वैलेंटाइन जायचं पुढे. तर व्हाट आर फॅक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएन्स? तो फॅक्टर इम्पॅक्टिंग डिमांड में नहीं नॉट डन क्यूटी, एन स्टैंड फॉर नेचर, ई स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, उसके बाद एच स्टैंड फॉर हैबिट. तो भाई इलास्टिसिटी इन चीजों से इंपैक्ट होती है बच्चों. इन चीजों में पहले नेचर ऑफ कमोडिटी देख लो. बाय नेचर वी क्लासिफाई कमोडिटी एज नेसेसरी कंफर्ट एंड लग्जरी, एंड इफ दैट्स द केस देन रिलेटिव. इफ फूड ग्रेन मेडिसिन टेक्सबुक इट इज इन इलास्टिक और कंफर्ट लग्जरी कार देन इट इज रिलेटिव इलास्टिक. तो रिलेटिव इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक. So something which is necessary, it is relative inelastic, and something which is comfort and luxury, relative elastic. So nature of commodity, बड़ा simple सी बात कहते हैं. जो चीजें जरूरतमंद है, necessary है, उसकी elasticity क्या है? Relative inelastic. और जो comfort और luxury है तो वो relative elastic है. तो सेकेंड आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. डिमांड कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट हैज मोर सब्स्टिट्यूट्स, एंड कमोडिटी विच हैव नो सब्स्टिट्यूट विल बी इन इलास्टिक. बड़ा सिंपल. वो प्रोडक्ट जिसको सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा. वो प्रोडक्ट जिसके सब्स्टिट्यूट कम होंगे उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी बच्चों? कम होगी. आर यू गेटिंग दिस? अ प्रोडक्ट विच हैज मोर सब्स्टिट्यूट्स विल हैव व्हाट? मोर इलास्टिसिटी. प्रोडक्ट विच विल हैव नो सब्स्टिट्यूट उसकी इलास्टिक कम होगी, मतलब इन इलास्टिक होगी. ये तो अवेलेबिलिटी हो गया, नेचर कमोडिटी अवेलेबिलिटी हो गया. फिर नंबर ऑफ यूज. तो जो प्रोडक्ट विच हैज लेस सिंगल यूज इट हैज लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूज इट हैज मोर इलास्टिक. सिंगल यूज इट हैज लेस इलास्टिक, मल्टीपल यूज इट हैज मोर इलास्टिक. नेक्स्ट हैबिट. हैबिट मेक्स डिमांड फॉर सर्टन गुड्स इन इलास्टिक. जिस चीजों का लत लगा उसकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक. दारू, सिगरेट, ड्रग्स, अल्कोहल, जिसका लत लगा उसकी इन इलास्टिक. प्राइस इतना बढ़ने दो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए वो क्या है? इन इलास्टिक है. ड्यूरेबिलिटी. डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स रिलेटिव इलास्टिक. फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, तो ड्यूरेबल गुड्स के लिए रिलेटिव इलास्टिक होगा. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय जान लगा के जी जान से बस फोकस हो. जिसको याद नहीं कर सकता, जिसका दिमाग का क्वालिटी उसको पता है, और वो बैठ के अगर मजाक ले और तो फिर क्या होता भाई? अब घर पे बैठ बहुत पढ़ लिया तूने. समझो सिंपल एक ही है, बिकॉज आई डोंट कॉल यू हियर टू शाउट यू. मैं किसी को चिल्लाने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ सर. ना तुम्हें फायदा है ना मुझे फायदा. और दो चार साल का बच्चा नहीं है, कान पीछे मारो शान बैठो. अब बड़े हो गए, इज्जत खुद से कमाओ. When you grow up, you should बोलते ना, your action should be like a man. मंद नहीं. चार दिन बाद पेपर आता कुछ नहीं और मैं इधर मजे ले रहा हूँ. You should see ना कब कैसे react करना. Can we go ahead? चलें. पूरे लेक्चर में मस्त पूरा अच्छे से पढ़ाई है. देख रहे, एक मिनट ऑफ द ट्रैक चला गया और मैं गया नहीं. होता क्या, सब ध्यान दे इसलिए ऐसे लाइन बोलनी पड़ती. और कुछ लोग का क्या ऐसे बोला ना, फिर हाँ अब मैं ध्यान दूंगा. समझो, तुम समझाए ना, आप समझो. चले.
हैबिट्स के बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भाई सेम आ रहा है. डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज इन कंजंक्शन टू अदर सेटिस्फाई सिंगल वॉन्ट इज इन इलास्टिक. जो सिंगल वॉन्ट सेटिस्फाई करे वो इन इलास्टिक है. उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर. सो यहां देखो ये लाइन क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करो. उसने बोला डिमांड इज यूजली इन इलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैव हाई इनकम. डिमांड पैटर्न ऑफ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिंगल चेंजेस. भाई अमीर इंसान है तो गरीब का सम्मान नहीं करे. तो एकदम कहना क्या चाहते हैं, रिच पीपल हैव अ व्हाट काइंड ऑफ डिमांड. बच्चों यहां देख लो, डिमांड फॉर गुड्स यूजली इन इलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम. हाँ इनकम बढ़ गया तो बहुत कम, बहुत पैसे वाला, तो उसके लिए ज्यादा इम्पैक्ट.